गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 की अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम जो नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है उसमें हमने यहाँ पे शामिल किया है जो है गेन किसे कहते हैं, यानी कि गेन जो है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट के होती है जो इंसिडेंटली घटित होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है वो 10 लाख है, लेकिन यदि वो बिल्डिंग 12 लाख में बिक जाती है तो इसके ऊपर 2 लाख रुपए जो हुआ वो उसे हम गेन के रूप में देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो टर्म्स है उसके अगर देखें तो यहाँ पे होता है कि लॉस किसे कहते हैं। लॉस जो है वो बिजनेस का पीरियड वाइज रिजल्ट है जो हमने किया है। उसके अंदर यदि टोटल एक्सपेंसेस उस पीरियड के टोटल रिवेन्यू से अगर ज़्यादा होते हैं तो उसको हम लॉस के रूप में देखते हैं। दूसरा लॉस का देखने का नज़रिया जो है वो एक्टिविटी के रूप में भी देखा जाता है। यदि फर्म को किसी एक्टिविटी से कोई बेनिफिट ना हो तो उसे हम लॉस के रूप में देखते हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एसेट्स है चोरी हो जाती है या थीफ्ट ऑफ एसेट्स हो जाती है तो वो क्या है, लॉस है। क्यों? क्योंकि उस एसेट्स का फर्म ने बेनिफिट नहीं उठाया या उसको यूज नहीं किया। लेकिन यदि डेप्रिसिएशन को देखें तो डेप्रिसिएशन लॉस में हो गए एक एक्सपेंसेस के रूप में दिखा जाएगा, क्योंकि फर्म ने उस एसेट्स का क्या है कि यूज किया है और यूज करते हुए जो कॉस्ट होती है उसे हम एक्सपेंसेस के रूप में देखते हैं। उसके यूज करने से जो गिरावट आएगी एसेट्स को उसको डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंसेस के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टर्म्स है वो है परचेज। परचेज किसे कहते हैं, यानी कि गुड्स इन विच द बिजनेस डील, जो गुड्स बिजनेस के अंदर डील किया जाता है उसको हम परचेज के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट वे से हम यहाँ पर देखते हैं। यदि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और वो क्या है कि माल खरीद के और तैयार करती है तो वहाँ पर जिस माल को बेचेगी और उसे तैयार करने के यूज करेगी उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फर्नीचर मेकर है, अगर वो वुडन खरीदता है और उससे फिर फर्नीचर तैयार करता है तो वुडन जो है वहाँ पे लकड़ी जो है वो क्या है कि गुड्स के रूप में यूज मानी जाएगी, उसे गुड्स के रूप में देखा जाएगा और इस गुड्स को हम रॉ मटेरियल के रूप में देखेंगे। दूसरा अगर फर्म ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग के अंदर अगर वो माल खरीदती है और उसे रीसेल कर देती है तो उसे भी हम यहाँ पर गुड्स के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि एक कपड़ा व्यापारी, कपड़े का काम करने वाली जो फर्म है, जो कपड़ा बेचने वाली जो फर्म है वो अपने कस्टमर के लिए यदि कोई फर्नीचर खरीदती है तो उस फर्नीचर को हम गुड्स के रूप में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसकी एसेट्स के रूप में होगा, क्योंकि वो कस्टमर्स को बार बार यूज करने के लिए उस फर्नीचर का यूज करती है। तो आगे जो रिमेनिंग जो है उनको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।